ये किताब का बोला। मेरा नाम मोहम्मद हनी अब्दुल रहमान शेख है, मैं यहीं रहता हूँ और यहाँ पैदाश भी मेरी यहीं की है। ये नूर बुरानी बोलकर एक गुजर था जिसने मेरी भी जगह ये मर्ज कर लिया था। ये प्राइवेट लैंड है 127-128 इसका सीटीएस नंबर। जब हमें पता लगा कि इसने हमारी भी जगह मर्ज कर लिया तो हम लोग गए ऐसाले में। जाने के बाद हम लोगों ने सब पता लगाया तो बोले भाई उसका तो थुलिसी के लिए गए। फिर हम गए ऊपर, उस वक्त सीओ थे सतीश लोखंडे साहब, उनसे मिले। उन्होंने सारे मेरे पेपर डॉक्यूमेंट देखकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि इनका अभी के अभी निकालो, ये सब प्राइवेट लैंड है, ये SRA में नहीं जाती है, सारे रू हाउस है यहाँ, ये कन्वर्ट नहीं होती है SRA। तो वो लोगों ने 3 महीना तक निकाला नहीं। यह है 27 फरवरी को हम गए थे। फिर हम गए मई 4 तारीख, फिर हमने साहब से कहा कि सर ऐसा ऐसा अभी तक निकाला नहीं गया ये। उन्होंने फिर CTSO DSLR इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबको ऊपर बुलाया और ये 4 मई ऑर्डर दिया कि ये अभी के अभी निकालो। फिर ये निकाल के मुझे दिया गया, ये है वो पेपर, इसमें DSLR और CTSO के, ये मुझसे ऑर्डर दिया था निकाल दो अभी के अभी और ये निकाला गया। इसमें DSLR और CTSO की साइन है और इसमें लिखा हुआ है सारा। इसके बाद नूर बुलानी का हमारा कट आउट करके जिनको बोला गया था कि आप ये निकाल के अभी के अभी इनको दो। ये कट आउट करके मेरा एरिया पूरा निकाला हुआ है, इसमें सारे डिटेल्स लिखी हुई है। इसके बाद ये निकल गया, इसके बाद में अब कोई नया राज बिल्डर आया है, वो पैसे की ताकत पे अंदर जाके सब नीचे से ऊपर तक सब कर रहा है। ये वापस 3C के ले गया, फिर वापस से ये हमारा नूर बुरानी ने कुछ कंप्लेंट की कोर्ट में कि मेरे को 8 वीक का टाइम दो, कोर्ट से मांगा। अपील में गया था कौन, नूर बुरानी ने क्या किया, 8 वीक का टाइम मांगा कोर्ट से, तो फिर वापस सिटी हम लोगों को SRA से लेटर आया कि आप लोगों की एयरिंग होगी, तो हम लोग एयरिंग में गए। जब CO साहब थे अभी नए CO साहब आए, उन्होंने हम लोगों को बुलवाया और ये हमारी मीटिंग हुई। ये रहा वो पेपर और मीटिंग के बाद ये निर्णय आया कि आपका यहाँ पर 3C नहीं होता है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे सब सेल्फ कंटेन है, पानी अंदर है, बाथरूम अंदर है और ये सारे घर ऐसे सारे लोग से झोपड़पट्टी ये इसमें सारे कहाँ बनता है, हमारा कहना ये है। और ये प्राइवेट जगह है, जब ये नए CO आए इन्होंने ये कहा कि जब इनका निकाला गया है उन्होंने भी यही कहा कि ये यहाँ पे C3 होता तो नहीं बनता है, इसमें झोपड़पट्टी ये इसमें SRA कहाँ बनता है, हमारा कहना ये है। और ये प्राइवेट जगह है, जब ये नए CO आए इन्होंने ये कहा कि जब इनका निकाला गया है उन्होंने भी यही कहा कि ये यहाँ पे C3 होता तो नहीं बनता है। अब ये पैसों के जोर पर ये इसमें सारे चीज लिखी है कि 3C नहीं होता है, सलम डिक्लेयर नहीं होता है, फिर ये राज बिल्डर वहाँ जाकर वापस से अपना अपना क्या नीचे डिपार्टमेंट में चल रहा है नहीं मालूम है। हमारी गुजारिश है CO साहब से कि इस पे ध्यान दे, ये 3C के लिए फिर ऊपर पेपर गया। ये हमारे यहाँ सबके अपने अपने टॉयलेट बाथरूम, ये रो हाउस जैसे हमारे घर है जिसको तोड़ के ये लोग C3 करना चाहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो बोरी जो अपने फायदे के लिए ये इतने लोगों को झूठ सच करके नुकसान कर रहे हैं और जिसमें ये SRA में सच झूठ बहुत हो रहा है। जरा प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर, मैम अभी आपने बोला कि ये प्राइवेट जगह है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए और कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं जी। तो ये प्राइवेट जगह है हमारी, मेरी पैदा से यहाँ 1964 में मैं पैदा हुआ इसी घर में, पिताजी 1961 में आए। इसका टोटल 1962 से अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स पहला पिताजी भरते थे, पिताजी ऑफ हो गए, उसके बाद मैं भर रहा हूँ। सारे असेसमेंट पे मेरा नाम है, बिल पर मेरा नाम है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कन्वेंस इंडेक्स 2 कलेक्टर की NOC सारी ओरिजिनल मेरे पास है। मैं जब चाहे अगर बोलते हैं SRA वाले और उनको मैं दिखा भी चुका हूँ क्योंकि सतीश लोखंडे साहब ने मेरे सब ओरिजिनल मंगाए थे, वो देखकर ही इनका निकाला गया। असेसमेंट आज हम इतने वर्षों से भर रहे हैं, असेसमेंट पे भी हमारा नाम है। और वो असेसमेंट पे हमारा नाम आया कैसे, तो ये जो हमारे अब्बा की इनके अब्बा जो थे अब्दुल रहमान शेख, उन्होंने ये केस चल रहा था इस जगह का हमारे जो पहले 1987 में, तब वो केस जीते हैं। ये सब हमारे 11 अदर्स जो हैं वो टैलेंट थे उस वक्त,
तो हमारा ये केस जीता गया। अब्बा ने जब ये केस जीते और उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ये मैं केस हार जाता हूँ तो ये सब बेघर कभी हो सकते हैं, तो इस वजह से अब्बा ने रजिस्टर्ड कन्वेंस एजवाल उसमें नाम इन लोगों का डाला। तो आज ये हमारे साथ में हमारे अगेंस्ट खड़े हैं और जो ये बिल्डर के साथ मिले, और हमारा जहां तक कहना हम सीनियर सिटीजन हैं और हमको ये टॉर्चर करा जा रहा है कि आप जानते नहीं है कि ये बॉम्बे के बिल्डर हैं, आपको कहां से कहां तक ले जा सकते हैं, तो आप सीधे तरीके से मान जाओ और ये चीजों को हमको करने दो। तो हम ये कैसे मान जाएं और हमारी सही रजिस्टर्ड कन्वेंस की जगह में आप एसआरए कैसे बना सकते हैं और ये आप लोग सी थ्री के लिए कैसे जा सकते हैं? और जब ये निकाला गया है और वहां ऑलरेडी केस चल रहा है एसआरए में ही, इसके बावजूद भी आप लोग कैसे इसको पास कर रहे हो? और आज ये लेटर हमको पता चला है कि सीएम सी3 के लिए जा रहा है, जो सीओ के ऑफिस में तक चला गया है ये पेपर। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सर से भी और उन तमाम लोगों से कि ये बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब जो गरीब लोगों के लिए अच्छा कर रहे, लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है सी3 की। आज हम बोल रहे हैं कि यहाँ आपको बनाना ही है तो प्राइवेट बनाइए, क्यों एसआरए में जा रहे हैं? ये क्या घर आप लोग देखिए ना सर प्लीज, कि यह घर एसआरए में जाने के लायक है जहां हम रह रहे हैं? आज हमारे घर में हर चीज है, पानी की सहूलत है, हाईवे रोड है, सब चीजें हैं, तो आप लोग क्यों एसआरए में जबरदस्ती इस चीज को डाल रहे हैं? तो ये चीटिंग हो रही है, गलत हो रहा है। तो हमारी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे लिए मेंटली हमको टॉर्चर किया जा रहा है। ये सीओ साहब का ऑर्डर है, सीओ सर अभी के जो है उन्होंने वापस निकाला है, उनका ऑर्डर है, उन्होंने चीज नहीं बनती है, इसमें लिखा हुआ है साफ, ऑर्डर में भी लिखा है, इश्यू में भी लिखा है, अब ये 2024 हमको मिला है, फिर ये वापस से क्यों है ये लोग वापस से? अभी कोई राज बिल्डर आ गया, इश्यूज और इन लोगों का प्लीज आप ये जरा गौर कीजिए, मैं आपको इश्यूज बताऊंगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी जबान वहां तक समझे वो लोग। देखिए ये इश्यूज पे आप प्लीज जरा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये इश्यूज देखिए और जरा आप कि ये क्या दिया है इन्होंने कि यहाँ पे नहीं बनता है उसके बावजूद में, और ये ऑर्डर्स हैं सर के, सीओ सर के ये ऑर्डर आए हैं लास्ट में, उसके बावजूद ये लोग ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? मैं इसका वीडियो भी आप लोगों को दूंगी हमारे एरिया का, आप लोग प्लीज इसमें हमारे साथ में इंसाफ करवाइए कि ये गलत हो रहा है। आज हमें कम से कम 70 साल से ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा संभाल रहे हैं और आज ये एसआरए में क्यों जा रही है? प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए आप बिल्डर के कुछ चंद लड़के हैं यहाँ पर जो वो ये गोरी, गोरी जो है ये गोरी ये अपने फायदे के लिए देते रहते हैं, ये अपने फायदे के लिए इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। बिल्डर को मना मत करो, नहीं तो देखो ऐसा हो जाएगा, हम लोग जो होएगा होएगा, लेकिन ये हक की लड़ाई है। लास्ट में सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ पे 3C लागू ना हो, ये प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहने दीजिए, हमको एसआरए में नहीं जाना है, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू फोटो ले लो, कागज भेज लेंगे।